तो हम बड़ा कॉल दिए कि कहाँ है कपिल भाई साहब, कहाँ है कपिल भाई साहब, आइए जल्दी से गाड़ी में बैठिए, जाने का समय हो गया है। कपिल भाई साहब कहाँ पर है? लेकिन कपिल भाई साहब मार दिया। ये किस पर गोली चलाई तूने? मुझसे गलती हो गई। नमस्कार, आप सबका स्वागत है चाचा जी के चैनल पढ़ाई की नहीं मतलब आए। चलिए तो आज की वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि हमने इसमें किया है दुश्मनों के साथ में दोस्ती। अब हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए वरना बैन वैन पड़ जाता है, लेकिन हमने किया है क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। खैर तो यहाँ पर हम दो लौंडे उतर रहे हैं, लेकिन तीसरा साला को एंट्री मारा है। लगता है प्लेन में हमारी बातें जो है उसने सुन ली है, और वो भी ससुर का नाती हम लोगों के साथ में यहाँ पर आ गया है। अब हमारे लिए कन्फ्यूजन सबसे पहला कि इन दोनों में से साला वो है कौन भाई का? अरे हम यहाँ पर हैं जी। अरे गोली उली मत मार दियो साला, इसका ठीक है ऑल पे भाई। अरे चला कह रहा है गोली साला उधर। हाँ हाँ भैया जी हेलो, हम यहाँ पर हैं। अरे आवाज नहीं आ रही का? एक तो हम ऑल पे माइक रखते साला टीम पर दिखता है। आइए आइए चलिए फटाफट, एक तो दिख गया है यहाँ पर, तो ये हमारे मित्र बन चुके हैं। आओ थोड़ा आराम से साथ में रहिए। हाँ तो इनका नाम है कपिल शर्मा, और यहाँ पर तीसरा भाई साहब एंट्री मारा, लेकिन इनके भी इरादे जो है बिल्कुल नेक है, और ये भी हमारे साथ में दोस्ती करने के लिए आए। क्या बात है, तो हम तीन यहाँ पर जो है एक साथ हो लिए हैं। अब चूंकि कहावत है कि तीन तगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं किस प्रकार से चलेगा हमारा गुजारा। और कहाँ जंपिंग जपा कर रहे हैं ये भाई अभी था? हाँ हाँ वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तीसरा पार्टी जो यहाँ पर एंट्री मारा है ससुर के नाते कुछ बोलिए नहीं रहा है। हाँ ठीक है, नहीं खेलने आता कोई बात नहीं, हमको कौन सा खेलने आता है, हम तो खुद हमको गन भी नहीं चलाने आता। सारा गन चलाते हैं सीधा गोली चलता है उल्टा। चलिए चलिए, अरे नंगा काय हो गया, ए असली आदमी असली है ये लोडा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया सुझाव, बहुत बढ़िया है। सब कपड़ा खोल लीजिए अपना, साला हमारे कैरेक्टर लड़की वाला है ये भगवान, लड़की को हम नंगा कर दिया, मतलब कि हमारा कैरेक्टर को नंगा कर दिया हम यहाँ पर। चलिए ठीक है, वैसे सही है, नंगा बन के रहेंगे तो साला एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे ना, कन्फ्यूजन नहीं लगाइए। फटाफट गाड़ी में बैठते हैं, एक साथ निकलते हैं जी। कहाँ चले गए सबको, क्या हो गया भैया? हेलो नहीं भाई, चाहिए खेलना नहीं आता मुझे, बचा कर रखना बस आप। ठीक है बचा कर रखना। आइए आप गाड़ी के डिक्की में घुस जाइए, आपको बचाएंगे पूरा एकदम। आइए आइए फटाफट आइए जल्दी, सब गाड़ी में बैठिए, खेलना नहीं आता भाई। कहाँ गया? अच्छा भाई ब्रो। अरे कहाँ तीसरा नंबर वाले भाई साहब, तो ससुर कुछ बोलिए नहीं रहा एकदम। हाँ तो हमारे साथ में है कपिल शर्मा भाई साहब, नहीं वो कपिल शर्मा नहीं है कॉमेडी नाइट्स वाले, ये BGMI वाले हैं। तो इस वक्त हम लोगों को यहाँ पर जो है किसी के होने का एहसास हुआ है। अब हालांकि टांग का मतलब निशानी पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दिखा है क्या कि हम तीनों एक ही गाड़ी में। हाँ रुकिए, बॉट नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा है बॉट का है, घबराते हैं इतना, आप बताइए है कहाँ पर। हाँ तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कपड़ा पहन कर है धपा धप्पे जरा इसका, आराम से आराम से किसको मारा बैठे जी। चलिए बढ़िया है, साला एक केट दिखा दो, दूगो को मारा मार दिए यहाँ पर। हाँ तो इस भाई साहब का जब हम करेट लूट रहे थे तो हमको साला यहाँ पर एक केट बंदा दिख रहा है, आ करेट का नाम भी हम नहीं पड़े यहाँ पर एकदम। अब हम सोचे कि वक्त आ गया है चलने का, तो निकलते हैं यहाँ से धराधर, और फिर फटाफट यहाँ पर बैठते हैं। काफी देर से हम कपिल भाई साहब का जो है आवाज यहाँ पर मिस कर रहे थे, क्योंकि उसका आवाज हमको नहीं आ रहा है। तो हम बड़ा कॉल दिए कि कहाँ है कपिल भाई साहब, कहाँ है कपिल भाई साहब, आइए जल्दी से गाड़ी में बैठिए, जाने का समय हो गया है। कपिल भाई साहब कहाँ पर? लेकिन कपिल भाई साहब मार दिया। ये किस पर गोली चलाई तूने? मुझसे गलती हो गई, गलती से ये भगवान। तो ये ससुर के नाती जो हमारे साथ बैठे हैं वो कपिल ब्रो को मार दिया, ये डब्बा जिसको हम रेंडम का डब्बा समझ कर उठ रहे थे, कपिल शर्मा का डब्बा भाई, सॉरी गलती से मार दिया। अरे क्या करते हैं जी आप लोग, सौरी का होता है, क्या गलती से मार दिया भाई, गलती से मार दिया, सॉरी सॉरी। वो बंदा कहाँ गया साला जिसके चलते मैं हम लोग आए थे? अरे तू बोर था ना भाई, इसलिए तो कपड़ा खोले थे सब लोग, साला कपड़ा खोलना भी बेफालतू। कपिल भाई किधर गए? चले गए कपिल भाई। कपिल भाई कुछ बोलो। हाँ तो अब हम तीन तगाड़ा काम बिगड़िए गया एकदम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस वक्त अब हम दो बचे हैं, और यहाँ पर मिड स्टैंड के छत पर आ गया। अब इस ससुर के नाती से हमको इतना डर लग रहा है कि कभी कोई धुआ के साला हमको न मारा बैठे एकदम, भरोसा नहीं है, लेकिन ठीक है देखते हैं अब क्या करें। जब रिस्क लिए हैं तो फिर अब थोड़ा निभाना तो पड़ेगा। रियल बंदा था? कहाँ पर है रियल बंदा? छुपा हुआ था वहाँ पे, पॉट का इंतजार कर रहा था वो। अच्छा अच्छा, 20 में 20 में ये ड्रॉप है। ठीक है, कोई आ रहा है ऊपर आ रहा है,
बट ये गेट लगा खड़ के एकदम यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का एंट्री मारेगा, मारेंगे दोनों। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ ससुर हमको इस पर का है डाउट लग रहा है कि जो है ना पथरवा पर से कभी भी अटैक कर सकता है, क्या कि एक दो बार गोली मार करके छोड़ दे। अरे देखिए क्या कर रहा है भैया जी, हेलो। अरे रावण साला नाम रख लेते हो, मुंडी नहीं रख पाते हो दस को, एक कौन उसको लूटने गया साला, सर में नहीं आता एकदम मुमाक्स। चलिए तो यहाँ पर जो है इन दोनों को फिनिश कर दिया गया हमारी तरफ से, मिड स्टर बाबू तक सात बंदे मारने हैं। ये भाई साहब कैसे काउंट कर रहे हैं जी? अच्छा अच्छा मिसाल है एसके एस वाला था, तो हमको लगा ये आठ गो बंदा बचे हैं और उसमें से सात को मारने का प्लानिंग ही भाई साहब कर रहे हैं, इसका मतलब हमें को मारेगा ही एकदम। हम तो खाम खा डर गया था। चलिए तो इस वक्त अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सांप बनने वाला वक्त जो है आ चुका है और पता चला है कि आस पास में ही कोनो लौंडा है और वैसे तो बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, लेकिन घड़े के पास से निकलेगा कोई ना कोई, क्या घड़े में से जो है आवाज आ रहा था एकदम। हाँ हाँ देख रहा हूँ, उधर देख रहा जी, दुए ठो बचा है यहाँ पर। अब देखते हैं इस वीडियो का अंत क्या होगा इस सुनाथ का बने सरकार। अभी शेख जी लीजिए, हमने शेख दिया आपको। हाँ अब एक ठो बचा है यहाँ पर, एक बंदा इधर गया था नॉर्थ 95 में कहाँ। अच्छा चलिए ठीक है, फोकस रखते हैं। 95 में एक बंदा गया था। हाँ उसको तो मारिए देंगे, चिंता नहीं कीजिए। सबसे बड़ा समस्या ये है कि चिकन डिनर कैसे बांटा जाएगा हम दोनों के बीच में, कौन देगा बलिदान। आए ससुर का नाती यहाँ पर एगो लेट करके हम ही लोग के सामने बैठा हुआ, देखिए मैप पर फोकस नहीं कर सकते इतने में जो है। अरे ले, अरे इसको भी लूट लिया जा, ज्ञानी अग्रवाल भाई साहब नाम था, अब नाम पता चला इनका हमको। तो हाँ तो जैसा हमने बोला था कि तीन तगारा काम बिगाड़ा लीजिए, काम बिगड़ गया, तीसरे का तो काम इस दूसरे ने बिगाड़ा और इस दूसरे का काम किसी चौथे ने बिगाड़ा, बच गए हम अकेले जो चिकन डिनर खा रहे हैं अकेले आवारा। मतलब आवारा हम खुद को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम। हाँ खैर चलिए जो भी है, कपिल शर्मा भाई साहब तो यूं ही निपट लिए उनको तो। क्या चलिए दुख भी है, हमें बहुत दुख है कपिल भाई साहब के नहीं होने का, लेकिन अब क्या करें, यही है। नहीं अगर वो आउट होते तो लास्ट में तो अंतिम फैसला तो होना ही था हम तीनों के बीच में, लेकिन अब जो बीजीएमआई को मंजूर था वही हुआ।